إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته رواه مسلم سامعین کرام دینی و ملی بھائیوں اور خواتین اسلام
अवलन तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, किबरियाई व बड़ाई, बुजुर्गी व बरतरी, हमदो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व सजावार है, जो हम सब का रब और पालनहार है। बादहु सलातु सलाम हो तमाम अम्बिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, खुसूसन नबी आखिर ज़मां मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके आलो अस्हाब पर। हाज़रीन, आज के इस खुतबे जुमा में क़ुरान और सुन्नत की रोशनी में जिस मौजू के तहत गुफ्तगु मकसूद है वह है औलाद की तरबियत। औलाद ये वालिदैन के पास अल्लाह रब्बुल आलमीन की अमानत हैं, और अमानत के ताल्लुक से हम सब जानते हैं कि अमानत की बड़ी हिफाजत की ज़रूरत होती है। किसी ने आपको बतौर अमानत कुछ दे रखा है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस अमानत की हिफाजत करें, और जब वो उसे वापस मांगे, तलब करे, तो आप उसे उसकी उसी सूरत में लौटा दें। तो ये औलाद वालिदैन के पास, सरपरस्तों के पास, जिम्मेदारान के पास अल्लाह रब्बुल आलमीन की अमानत है। लिहाजा औलाद की, बच्चों की हिफाजत, उनकी निगहदाश्त, उनकी निगरानी और उसी में उनकी दीनी व इस्लामी तरबियत शामिल है, और यह हर माँ बाप, हर जिम्मेदार, हर परस्त की जिम्मेदारी है। वालिदैन के ऊपर, सरपरस्तों के ऊपर सिर्फ उन्हें खिला देना, पिला देना, अच्छा पहना देना, दुनिया की ज़िंदगी उनकी संवार देना सिर्फ इतना काफ़ी नहीं, बल्कि उससे ज़्यादा अहम उनके लिए जो है वो ये कि वो उनकी दीनी और इस्लामी तरबियत करें, उनकी अखलाकी तरबियत करें। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन पर आयद होती है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वालिदैन और मुसलमानों को इस जिम्मेदारी की याद दहानी कराते हुए फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि ऐ वो लोगों जो ईमान लाए, कू अनफुसकुम अपने आप को, व अहलीकुम और अपने घर वालों को, यानी बीवी बच्चों को, अपने मातहतों को, नारा जहन्नम की आग से बचाओ, जहन्नम की आग से बचाओ। और ये तभी मुमकिन होगा जब आप उनकी इस्लामी तरबियत करेंगे, अखलाकी तरबियत करेंगे। तो वकूदुहन्नास वल हिजारा, उस आग से जिसका ईंधन लोग और पत्थर होंगे, जहन्नम में लोग जहन्नमी डाले जाएंगे और पत्थरों को डाला जाएगा, इन मूर्तियों को जिनकी आज इबादत की जाती है, बतौर इबरत इन मूर्तियों को डाला जाएगा कि देख लो दुनिया में तुम इनकी इबादत करते थे, ये भी तुम्हारे साथ जहन्नम के अंदर डाले जा रहे हैं, ये भी जलाए जा रहे हैं बतौर इबरत के। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लोगों की ये जिम्मेदारी बतलाई है कि अपने मातहतों, अपने बीवी बच्चों की तरबियत, इस्लामी और दीनी अखलाकी तरबियत, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ऐसी तरबियत तुम्हारी जिम्मेदारी है जिससे तुम और तुम्हारे बीवी बच्चे, अहलो अयाल, घर वाले जहन्नम की आग से खुद को बचा सकें। खुद को बचाओ और अपने घर वालों को बचाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रईयती, कि तुम सब के सब चरवाहे हो। चरवाहा अपनी बकरियों के रेवड़ का, अपने जानवरों के रेवड़ का जिम्मेदार होता है, उनकी निगरानी करता है, कोई जानवर, खुखार जानवर उन पर हमला ना कर दे, कोई जानवर उसमें से बहक ना जाए। इसी तरीके से तुम अपने मातहतों के जिम्मेदार हो, और कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रईयती, हर एक से उसके मातहत अफराद के ताल्लुक से सवाल किया जाएगा। फल इमाम राइन वह हुआ मसूलुन अन रईयती, हाकिम जो है वह अपने मातहत जो है उसके रियाया उनका जिम्मेदार है, और हाकिम से उनके मातहतों के ताल्लुक से सवाल होगा कि उनकी देखभाल तुमने की या नहीं की। इसी तरीके से वर्रजुलु राइन फी अहल बैतिही, आदमी अपने घर वालों में जिम्मेदार होता है, वह हुआ मसूलुन अन रईयती, आदमी से उसके घर वालों के ताल्लुक से सवाल होगा। तुम घर के सरपरस्त थे, तुम्हारी बीवी थी, तुम्हारे बच्चे थे, तुम्हारे घर में छोटे अफराद थे, तुम्हारे घर में तुम्हारे मातहत अफराद थे, तुमने उनकी निगहदाश्त की या नहीं की, नेकी पर उनको उभारा या नहीं उभारा, बुराई से उनको रोका या नहीं रोका, उनकी दीनी अखलाकी इस्लामी तरबियत
की या नहीं की, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाल करेगा। वल मरअतु राइयतुन फी बैति ज़ौजिहा, औरत अपने शोहर के घर में जिम्मेदार होती है। वही मसूलतुन अन रईयतिहा, और वह अपने मातहत अफराद अपने बच्चों के ताल्लुक से औरत से सवाल किया जाएगा, तुमने अपने बच्चों अपनी बेटियों अपने बेटों की निगरानी की या नहीं की, पर्दे के तलकीन की या नहीं की, कुरान पढ़ने की तलकीन की या नहीं की, नमाज पढ़ने की तलकीन की या नहीं की, दीनी तरबियत अखलाकी तरबियत उनकी की या नहीं की, कैसा लिबास उनको पहनने की तलकीन की, कैसा लिबास उनको पहनाया, ये सारी चीज़ों के मुतालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन औरत से उसकी औलाद के ताल्लुक से उसके मातहत अफराद के ताल्लुक से सवाल करेगा। फरमाया फकुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रईयति, तुम सब के सब जिम्मेदार हो, हर कोई जिम्मेदार है, हर कोई किसी ना किसी उसके मातहत कुछ ना कुछ अफराद रहते हैं, तो उस शख्स की जिम्मेदारी है कि अपने मातहत अफराद की निगरानी करे, दीनी निगरानी करे कि दीनी तौर पर मेरे मातहत जो अफराद हैं वो कितने दुरुस्त हैं कितने ठीक ठाक हैं। अगर वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता है तो ये मामला बड़ा खतरनाक है। जमाने का सिर्फ दुनिया का मामला नहीं, ये आखरत का मामला है, ये जन्नत और जहन्नम का मामला है। अगर हमने अपनी जिम्मेदारी अदा की तब तो मामला ठीक है, लेकिन अगर हमने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की तो फिर जन्नत हराम हो सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मा मिन रईयतिन मा मिन अब्दिन यस्तरईहिल्लाहु रईयतन यमूतु यौम यमूतु वह गाशुन लिरईयतिही इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहि जन्ना, कि जिस शख्स को जिम्मेदार बनाया गया निगरा बनाया गया उसके मातहत अफराद है और वह अपने मातहत अफराद के साथ धोखा कर रहा है, यहां तक कि उसे मौत आ गई, धोखा कर रहा है यहां तक कि उसे मौत आ गई, इल्ला हर्रम अल्लाहु अलैहि जन्ना, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर जन्नत को हराम कर देता, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। मामला आसान नहीं है कि आप दुनियादारी में अपने बच्चों को अपने मातहत अफराद को बहुत आगे कर दें लेकिन दीन के मामले में बिल्कुल उन्हें आज़ाद छोड़ दें। आप स्कूल भेजने के लिए ट्यूशन भेजने के लिए तो बिल्कुल वक्त की पाबंदी करें, घड़ी में मोबाइल में अलार्म लगाएं, बच्चों को जगाएं, लेकिन नमाज के ताल्लुक से कोई तंबी ना करें, बच्चे को सोने दें बच्चे को खेलने दें कोई फिक्र ना हो, तो आपसे सवाल किया जाएगा। इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे शख्स पर जन्नत को हराम कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ये दुनिया का भी मामला है, आदमी मर जाता है, मरने के बाद उसका अमल खत्म हो जाता है, उसको गुनाह हो रहा है, उसको अजाब हो रहा है, उसके दर्जात में कमी है, वो चाहता है कि मेरे दर्जात में बुलंदी हो, तो रास्ता अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया कि अपने बच्चों की अच्छी तरबियत को जो तुम करो, जो तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारे हक में दुआएं दे, तुम्हारे लिए नेक अमाल करें। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अनु अमलु इल्ला मिन सलास, कि जब इंसान फौत हो जाता है उसके अमल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है, बंद हो जाता है, इल्ला मिन सलास, सिवाय तीन आमाल के, कि तीन आमाल अगर वो दुनिया में कर कर गया है तो उन तीन आमाल का सवाब जब तक वो चीज़ बाकी है बरकरार है उसको सवाब मिलता रहेगा। उनमें से एक है वलदिन सालिहिन यदऊ लह, नेक औलाद, वलदिन सालिहिन यदऊ लह, जो उसके लिए दुआ करे, जो उसके लिए दुआ करे। अगर आपने अपनी औलाद को नेक बनाया, नेकी की तलकीन की, दीनी और अखलाकी इस्लामी तरबियत की, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि आपकी वफात के बाद भी आपकी औलाद आपके लिए दुआएं करेगी और हो सकता है आपके लिए कुछ और नेकियां भी अंजाम दे। आज हम अपनी औलाद के लिए अपने मातहतों के लिए उनकी दुनिया बनाने के लिए बड़ी फिक्र करते हैं, बड़ी कोशिशें करते हैं, हलाल और हराम की तमीज़ खो देते हैं, जबकि सारा मामला दुनिया का होता है। आखिरत जो असल कामयाबी है उसके ताल्लुक से हम नहीं सोचते, जो कि असल सोचने की बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये निज़ाम बनाया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर बच्चे की फितरत में फितरत को सलीमा व फितरत सलीमा बनाया, सही सालिम फितरत दी है, फितरत तौहीद पर पैदा किया, मा मिन मौलूदिन इल्ला यूलदु अलल फितरा, कि हर बच्चा फितरत दीन पर फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, फ अबवाह युहब्बिदानी ही और युनस्सिरानी ही और युमज्जिसानी, फिर उसके वालिदैन जो है उसको या तो यहूदी बनाते हैं या नसरानी बनाते हैं या मजूसी बना देते हैं, तो माँ बाप की तरबियत का पूरा किरदार उस बच्चे में होता है। माँ बाप कैसा पेश कर रहे हैं उस बच्चे के सामने अपने अखलाक को, अपनी तरबियत को, अपने घर के माहौल को, अपने मोहल्ले के माहौल को, पूरी तरबियत का असर उस बच्चे के अंदर पाया जाता है। इसलिए बच्चों की तरबियत में, औलाद की तरबियत में बड़ी एहतियात की जरूरत है,
बहुत ही हसास होने की ज़रूरत है, वरना हम समाज और मुआशरे में देख रहे हैं कि बच्चे किस कदर तेज़ी के साथ बिगड़ रहे हैं, बिगाड़ का शिकार हो रहे हैं, फसाद बरपा हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे उन बुराइयों को अंजाम दे रहे हैं जिनके बारे में कभी बड़े सोच भी नहीं सकते थे। आज हमारी आंखों के सामने, हमारे समाज और मुआशरे के दरमियान ये सारी चीज़ें पाई जा रही हैं। इसलिए हमें होश के नाखून लेने की ज़रूरत है कि अगर हम चाहते हैं हमारा बच्चा, और हर मुसलमान की दिली ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा नेक और साले बने, अच्छा बने, गरचे वो कर नहीं पाता लेकिन दिली चाहत होती है, इसलिए कोशिश भी करने की ज़रूरत है। सिर्फ नीयत से, सिर्फ इरादे की चाहत से बच्चा अच्छा नहीं बनेगा, बल्कि कोशिश भी करनी होगी, मेहनत करनी होगी उसके लिए। इसके लिए कुछ अहम चीज़ों के ताल्लुक से ख्याल रखना होगा, जिनमें यह है कि माँ बाप अपने बच्चों को, बच्चों पर शफकत करें, उनके साथ नरमी के साथ पेश आए, उनके साथ नरमी के साथ पेश आए। ये बच्चों की तरबियत का एक मरहला होता है। आप बार बार बच्चों पर गुस्सा करेंगे, हर बात पर डांटेंगे डपटेंगे, तो बच्चा जो है मुखालिफ रवैया इख्तियार कर लेता है, बागी बन जाता है, किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए उनसे नरमी के अंदाज, नर्म अंदाज में गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन ला यरहम ला युरहम, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। इसलिए बच्चों पर रहम दिली के साथ सलूक करने की ज़रूरत है। इसी तरीके से बच्चों को उनका हक दिया जाए, बच्चा कहकर उनको छोड़ ना दिया जाए कि ये तो बच्चा है, बल्कि बच्चा है, अगर वो हकदार है तो बच्चे को उसका हक दिया जाए। जैसे बतौर मिसाल मस्जिद में बच्चा अगर पहले पहुँचता है, पहली सफ में आकर बैठ जाता है, तो आप ताखिर से आ रहे हैं, बच्चा कहकर उसको पीछे ना कर दें, ये उसकी हक तलफी है। उसके दिलो दिमाग के अंदर मस्जिद के ताल्लुक से नफरत डालना है, मस्जिद से मुतनफिर करना है, आइंदा वो मस्जिद के करीब आने की ना सोचेगा। इसलिए बच्चा अगर हकदार है, आपको पहली सफ में बैठना है, पहली सफ का अजर व सवाब चाहिए, तो आप पहले आइए, बच्चे को ना हटाइए उसकी जगह से, उसकी हक तलफी ना कीजिए, इसलिए आप पहले पहुंचिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मजलिस में मशरूब पीने की कोई चीज पेश की गई, आपने उसे पिया, प्याले में कुछ बच गया, आपने देने का तरीका है कि दाएं जानिब वालों को दिया जाए। आपने दाएं जानिब देखा, एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है, बाएं जानिब देखा, बड़े सहाबा बैठे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे से पूछते हैं, अतअज़नुली अन उतिया उला, क्या तुम मुझे इजाजत देते हो कि मैं इन बुजुर्गों को ये प्याला दे दूं, बुजुर्ग हैं, मोहतरम हैं, इनको दे दूं, हकदार तो बच्चा तुम ही हो, लेकिन क्या मैं इन्हें इजाजत देते हो कि इन बुजुर्गों को मैं प्याला पेश कर दूं? बच्चा कहता है, वल्लाह या रसूल अल्लाह ला उसिरु बिनसीबी मिनका अहदन, अल्लाह की कसम ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने हिस्से पर किसी को तरजीह नहीं दूंगा, मैं अपने हिस्से पर, मेरा हक है, मैं अपने हक पर किसी को तरजीह ना दूंगा। और तरजीह ना देने की वजह क्या थी? क्योंकि उस प्याले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक मुंह लगा था, इसलिए बच्चे की चाहत थी कि वो प्याला मुझे मिले, बाबरकत है, उसमें अल्लाह के रसूल का मुबारक दहने मुबारक लगा है, इसलिए चाहता था कि मुझे मिले। इसलिए बच्चे ने कहा कि मेरा हक है, तो मैं चाहता हूं कि मुझे ही मिले, किसी को ना दे। तो अगर बच्चा छोटा है घर से, लेकिन अगर हकदार है, तो बच्चे को उसका हक दिया जाए, वरना वो मुखालिफ हो जाएगा, बागी हो जाएगा। इसी तरीके से औलाद को जायज खेल कूद का हक भी दिया जाए, उसे खेलने दिया जाए, उसकी ज़हनी नशोनुमा, जिस्मानी नशोनुमा के लिए खेल कूद ज़रूरी है, लेकिन एहतियात करते हुए, देखते हुए, निगरानी करते हुए, क्या वो गैर शरई खेल कूद में मुलव्वस तो नहीं है, नाजायज़ चीज़ों में मुलव्वस तो नहीं है, हराम चीज़ों में मुलव्वस तो नहीं है। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, सरपरस्त की जिम्मेदारी है कि आप उसे फुर्सत दे रहे हैं, आप उसे मोबाइल दे रहे हैं, तो आप निगरानी कीजिए मोबाइल का इस्तेमाल क्या कर रहा है, सही इस्तेमाल कर रहा है या गलत इस्तेमाल कर रहा है, कब देना है ये आप समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप दे रहे हैं तो आपको निगरानी करने की ज़रूरत है। कितने ही बिगाड़ आज हमारे समाज व मुआशरे के अंदर मोबाइल के सबब हैं, हम सब बखूबी जानते हैं, बयान करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों को खेल कूद, जायज खेल कूद का मौका दिया जाए, लेकिन निगरानी करते हुए। आप उन्हें तफरी का भी मौका दें, लेकिन कहां तफरी करने जा रहे हैं? गैर शरई जगहों पर, जहां पर इख्तिलात मर्दोजन, औरत मर्दब का, मर्दों का मिलाप होता है, ऐसी जगहों पर तो ना जा रहे हैं। तफरी करने फिल्मी थिएटर के अंदर तो नहीं जा रहे, तफरी करने किसी गैर शरई जगह पर तो नहीं जा रहे। इन सब चीजों की निगरानी की जरूरत होती है। बच्चे के स्कूल से स्कूल ट्रिप, तफरी का,
प्रोग्राम बना है, लेकिन वो तफरी का प्रोग्राम किस जगह जा रहा है, ये आपकी जिम्मेदारी है। क्या उस जगह जाना बच्चे का, मेरे बच्चे का दीनी नाहिये से मुनासिब है या नहीं मुनासिब है, या स्कूल के साथ जा रहा तो जाने दे, नहीं, ये दीनी निगरानी आपकी जिम्मेदारी है। स्कूल को तो कमाने से मतलब है, स्कूल तो अपना सोशल वर्क दिखाएगा, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बच्चों की दीनी निगरानी करें कि वो कैसी जगह लेके जा रहे हैं और उसका जाना मुनासिब है या नहीं मुनासिब है। इसी तरीके से औलाद को बचपन से ही कलिमे तैयबा ज़बानी याद कर दीजिए। हम बचपन में तो बच्चों को गाने याद करवाते हैं, पहाड़े याद करवाते हैं, इंग्लिश याद करवाते हैं और पोएम याद करवा के सुनते तो खुश होते हैं, बच्चे को इंग्लिश पोएम याद है, लेकिन कलिमे तैयबा अच्छा खासा बच्चा बड़ा हो गया उसको नहीं याद है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ज़बान से अदा कर ले, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ज़बान से अदा कर ले, ये उसको नहीं याद है। ये हम मुसलमानों के लिए बड़ी हसरत और अफसोस की बात है। इसलिए जबानी तौर पर बचपन ही में बच्चे की जबान पर ये कलिमात चढ़ा दें। माना अगर नहीं समझता कोई बात नहीं, कुछ बड़ा हो जाए तो माना मतलब भी समझा दे कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है कि इस हुए जमीन पर, इस कायनात में, इस आलम में अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं है। माबूद बहुत सारे हैं लेकिन सच्चा माबूद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है। वरना आजकल हमारे स्कूलों की हालत आप देख लें, स्कूल के दरवाजे से घुसते सामने मूर्ति नजर आती, सामने मूर्ति नजर आती है। तो शिर्क जो सबसे बड़ा गुनाह है, जिसकी कबाहत सबसे ज्यादा है, उसकी कबाहत दिल से खत्म होती चली जाती है और हमारे माहौल में ऐसा हो जाता है कि आम सी चीज नजर आती है और बच्चा भी, हमारे बच्चे भी उस गुनाह के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। इसलिए जब आप बच्चों के दिलो दिमाग के अंदर बचपन से ही ये बात रासिख कर देंगे कि इबादत सिर्फ अल्लाह की जा सकती है, दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी इबादत की जाए, तो ये उसके लिए बड़ी अहम है। और नबी आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये बुनियादी बातें कलिमे तैयबा बचपन ही में बच्चे को ज़बानी याद करा दें, उसका मफ़हूम ज़हनों में बिठा दें और औलाद को बचपन ही में इस्लाम के अरकान, इस्लाम किसे कहते हैं, इस्लाम के अरकान क्या है, ईमान किसे कहते हैं, ईमान के अरकान क्या है, ये बुनियादी चीजें बचपन ही में कि इस्लाम के पांच अरकान है। वो छोटी सी हदीस जिसके अंदर इस्लाम के पांच अरकान बयान किए गए कि, और वो हदीस, वो आयत कुरान करीम की जिसमें ईमान के छह अरकान बयान किए गए, वो बच्चों को याद करा दें। बच्चों का जहन बड़ा ही तेज होता है, खाली वरक, आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी भर सकते हैं। तो अगर आप जहन बचपन ही में बच्चों के जहनों में ये चीजें बिठा देंगे तो आप देखेंगे कि इसका नतीजा, इसका फल जो है आपको चंद सालों के बाद बच्चों की तरबियत में और बच्चों के साथ असमरात में नजर आएगा। तो आप बच्चा कह के उसे छोड़ ना दे, बल्कि ये बुनियादी तालीमात उसे बचपन ही में सिखा दें। इसी तरीके से वालिदैन पर ये भी जिम्मेदारी है कि बच्चों से झूठ ना बोले और ना बच्चों को झूठ बोलने की इजाजत दें। बच्चों के सामने किसी भी सूरत में झूठ बोलना तो हराम है, बच्चों के सामने और मजीद शिद्दत के साथ इसकी हुरमत, क्योंकि बच्चा आपके रवैये से सीखता है। अगर आपने बच्चे के सामने झूठ बोला तो बच्चे ने सीख लिया कि ऐसे बहाना किया जा सकता है, ऐसे झूठ बोला जा सकता है, हत्ता कि मजाक में भी बच्चे से झूठ नहीं बोला जा सकता। अब्दुल्लाह बिन आमिर रजी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि मेरी माँ ने मुझे पुकारा, बुलाया और कहा कि आओ मैं कुछ देती हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और फिर उनसे पूछा, अम्मा कि क्या देना चाहती हूँ? उनकी वालिदा ने कहा कि मैं जो है खजूर देना चाहती हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अमा इन्नकी लौलम तुअतीहि शैअन कुतिबत अलैकी किज़्बा, कि खबरदार अगर तुम उसे कुछ ना देती, कुछ देने का इरादा ना होता तुम्हारा, तो तुम पर एक झूठ लिख दिया जाता। तो बहलाने फुसलाने में भी हम झूठ नहीं बोल सकते हैं बच्चों को, ये बच्चों की नफ्सियात की बात है। बड़ी तेजी के साथ वो इन चीज़ों को सीखते हैं और जब करने लायक होते हैं तो वो इन चीज़ों पर अमल पैरा होते हैं, इसलिए इनसे बचने की ज़रूरत है। औलाद, बच्चों को खाने पीने के आदाब सिखाए जाएं। हम कितने लोगों को देखते हैं बच्चा बाएँ हाथ से खा रहा है, उसे टोका जाए तो कहते हैं अभी बच्चा छोड़ दीजिए, अभी बच्चा छोड़ दी, वहीं से आदत, गलत आदत पड़ती है, वहीं से गलत आदत पड़ती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक बच्चे थे, उमर बिन अबी सलमा रजी अल्लाह अन्हु गोद में बैठे थे, वो बयान करते कि मेरा हाथ दस्तरखान में इधर उधर जा रहा था, प्लेट है वहाँ हाथ इधर उधर जा रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, या गुलाम सम्मिल्लाह, अय बच्चे अल्लाह का नाम लो, बिस्मिल्लाह की तलकीन की कि बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू करो, वकुल बियमीनिक दाएं हाथ से खाओ।
وَكُلْ مِمَّا يَلِكَ اور اپنے سامنے سے کھاؤ, جو چیزیں سامنے ان کو کھاؤ. اگر کئی چیزیں ہیں مختلف تو آگے ہے تو ہاتھ بڑھا سکتے ہیں, لیکن اگر سامنے وہ ساری چیزیں موجود ہیں تو آگے نہ بڑھ کر اپنے سامنے جو چیزیں اس سے کھانے کا, کھانے کی تلقین کی, اور یہ کھانے کے آداب ہیں. تو بچہ کہہ کر اگر ہم چھوڑ دیں گے, آپ دیکھ لیجئے ہمارے سماج میں ایسے بچے ملیں گے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بائیں ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بچپن میں انہیں بائیں ہاتھ کے استعمال سے روکا نہیں گیا, روکا نہیں گیا, اس لیے نتیجہ یہ نکلا کہ اب وہ بائیں ہاتھ سے لکھنے لگے, بائیں ہاتھ ہی کا استعمال کرنے لگے, اور ان کا اصل ہتھیار بائیں ہاتھ ہو گیا. اگر بچپن ہی میں ان کو ٹوکا جاتا, روکا جاتا, تو بائیں ہاتھ سے رک جاتے اور دائیں ہاتھ ان کا اصل ہتھیار ہوتا. اور یہ ضروری ہے, ایک شخص جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا اور بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا, اللہ کے رسول نے کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ, کہتا ہے کہ میں نہیں کھا سکتا, تکبر سے کہا کہ میں نہیں کھا سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بددعا دی, مستطاع, تو کبھی طاقت نہ رکھے, کبھی تو نہ کر سکے, دائیں ہاتھ کو کبھی نہ اٹھا سکے, کبھی نہ استعمال کر سکے, اور زندگی بھر اس کی حالت یہی رہی کہ وہ دائیں ہاتھ کا استعمال نہ کر سکا. تو آدمی کو چاہیے کہ اسلامی آداب, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان چیزوں کے تعلق سے چھوٹی بڑی ان کو اپنائے, خود اپنائے, اپنے بیوی بچوں میں بھی اس کو اپنانے کی تلقین کرے تاکہ ایک اسلامی معاشرہ بنے. اسی طریقے سے اولاد کے درمیان انصاف بھی بہت ضروری ہے. آپ بیٹی کو کچھ دے رہے ہیں اور بیٹے کو کچھ دے رہے ہیں, یہ مناسب نہیں ہے, یہ مناسب نہیں. انصاف ضروری ہے. استعمال کی چیزیں ایک الگ ہے کہ بچہ کالج جا رہا ہے تو اس کو جو ہے بائک کی ضرورت ہے, اس لیے آپ دے رہے ہیں, ضرورت کا مرحلہ الگ ہے, لیکن جہاں پر دینے والی بات آتی ہے وہاں آپ کو انصاف کی ضرورت ہے. اگر آپ کسی کو تحفہ دے رہے ہیں اپنے ایک بچے کو, تو سارے بچوں کو تحفہ دیں, سارے بچوں کو تحفہ دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعے میں فرمایا تھا کہ میں اللہ جور ظلم پر گواہ نہیں بنتا ہوں, ظلم پر کہ آپ نے اپنے ایک بچے کو تو ایک باغ دے دیا اور باقی بچوں کو کچھ نہیں دے رہے, اور چاہتے کہ میں اس پر گواہ بن جاؤں. انی لا اشہد علی جور, میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا ہوں. اس لیے بچوں کے درمیان انصاف عدل کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ اسی بچپن سے ہی بچوں کے دلوں میں یہ احساس ہو جاتا ہے کہ والد جو ہے یا فلاں جو ہے یہ میرے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں, یہ میرے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں, اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. بچپن ہی میں نمازوں کی تلقین بھی ضروری ہے. آپ سورہ لقمان اٹھائیں, سورہ لقمان کا دوسرا رکوع دیکھیں جس میں اللہ رب العالمین نے لقمان حکیم کی 10 اہم نصیحتوں کو جو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کی تھی ان کو نقل کیا ہے. امام صاحب سے میں کہوں گا درس میں کسی موقع سے ان نصیحتوں کو تفصیل کے ساتھ تشریح کر دیں, ان کے اندر بڑی اہم نصیحتیں. سب سے اہم نصیحت عقیدے کے تعلق سے کہ شرک نہ کریں, صرف اللہ کی عبادت کریں, سب سے اہم نصیحت, کیونکہ ایمان اور عقیدہ ایک مومن کے لیے سب سے بڑی دولت ہے, اس سے بڑی دولت کچھ نہیں ہو سکتی. اس لیے بچے کو سب سے پہلے جس چیز کی تلقین کی جائے گی وہ عقیدے کی تلقین کی جائے گی تاکہ اس کا عقیدہ بگاڑ کا شکار نہ ہو. تو اسی طریقے سے اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی گئی ہے, اس کے بعد ہر چھوٹی بڑی نیکی کی تلقین کی گئی ہے, ہر چھوٹی بڑی برائی سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے, اس کے بعد نماز کی تلقین کی گئی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, آج ہم بچوں کے تعلق سے بڑے ہی بے حساس ہو گئے, بے حساس ہو گئے, کچھ نہیں, بچے نماز پڑھے نہ نماز پڑھے کوئی فکر نہیں ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, وَأْمُرْ, کہ اپنے بچوں کو حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں نماز کا, نماز کا, مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء السبع, جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو, واضربوہم علیہا وہم ابناء عشر سنین, اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھ رہے ہو تو مارو. نماز کی وجہ سے بچوں کو مارنے کا حکم دیا گیا. آج بچہ ٹیوشن نہیں جاتا تو ہم مارتے, لیکن مسجد نہیں جاتا نماز پڑھنے, کوئی بات نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, اس لیے کہ ٹیوشن کی اہمیت ہمارے سروں پر ہے لیکن نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کامیابی ہم ٹیوشن اور کلاس میں دیکھ رہے ہیں, نماز پڑھنے میں کامیابی نہیں دیکھ رہے ہیں. تو بڑی ہی تنبیہ کی گئی ہے نماز کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ بچپن سے ہی بچوں کو نماز اور روزے کی تلقین کرے. صحابہ کے بچوں کو دیکھیے, ذکر کرتے ہیں کہ ہم بچوں کو بچپن سے ہی روزہ رکھاتے تھے, ابھی روزہ فرض نہیں ہے, بھوک سے روتے بھی لگتے تھے تو ہم کھلونا دے دیتے تھے, کھیلنے کا سامان
सामान दे देते थे ताकि बच्चा कुछ देर और बहल जाए और उसका दिन जो है भूख प्यास से रहने की आदत और रोजा रखने की आदत बच्चों की बन जाए, नमाज की आदत बच्चों की बन जाए। ये सहाबा तलकीन करते थे, सहाबा ये तरबियत का ये तरीका अपनाया करते थे। समाज में बच्चों को, औलाद को गाली गलौज फहश गोई से भी बचाने की जरूरत है। किसके साथ रह रहा है ये देखना जरूरी है। जिस तरीके की जबान बच्चे के सामने इस्तेमाल की जाएगी बच्चा सीखेगा और उसके बाद वही जबान इस्तेमाल करेगा आपके सामने और दीगर लोगों के सामने। और ये बात कि मिनल कबाइर शतमु रजुल वालिदे, कि वालिदैन को गाली देना, वालिदैन को गाली देना ये कबीरा गुनाहों में से एक गुनाह। जब सहाबा के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात रखी तो सहाबा ताज्जुब करने लगे कि एक इंसान अपने वालिदैन को गाली कैसे दे सकता है। उस जमाने में सहाबा को ताज्जुब हुआ कि आदमी अपने वालिदैन को, औलाद अपने वालिदैन को गाली कैसे दे सकती है। आज के ज़माने में ताज्जुब तो नहीं है ना, आज के ज़माने में तो ये आम सी बात है कि औलाद अपने वालिदैन अपने पेरेंट्स को गालियाँ देते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत की यसुब्बु रजुलु अबर रजु, कि आदमी किसी आदमी के बाप को गाली देता है तो वो आदमी पलट के इसके बाप को गाली देता है, ये उसकी माँ को गाली देता है तो वो इसकी माँ को गाली देता है। तो अगर हम सबब बनते अपने माँ बाप के गाली के तो गोया हमने खुद गाली दी। और आज के ज़माने में तो हम दे रहे हैं, समाज और माशरे में औलादें ऐसी औलादें हैं जो अपने माँ बाप को गालियाँ देती हैं धड़ल्ले के साथ। तो इससे भी बचने और बचाने की ज़रूरत है। इसी तरीके से वालिद को चाहिए कि वो माँ की फरमाबरदारी की तलकीन करे अपने बच्चों से कि माँ की फरमाबरदारी करो, माँ के साथ अच्छा सलूक करो, हुस्न सलूक करो, बेहतर रवैया अपनाओ। कुरान और सुन्नत के हवाले से उनके दिलों में, सहाबा के वाकयात के हवाले से उनके दिलों में माँ की अज़मत को बिठाए कि माँ का दर्जा बड़ा ही अजीम होता है। इसी तरीके से माँ को चाहिए कि वो बाप के फरमाबरदारी की तलकीन करे, बाप के साथ उसने सुलूक की तलकीन करे, बाप की कुर्बानियों का बच्चों के सामने जिक्र करे ताकि बाप की हैसियत, अजमत, अहमियत, मकाम व मर्तबा बच्चों के दिलों में बैठे। वरना आज कितनी औलादें हैं जो अपने बाप से खुली जबान कह देती हैं कि तुमने हमारे लिए किया क्या, पैदा करके छोड़ दिया, किया क्या तुमने हमारे लिए। तो इस तरह की बातों से बचने के लिए जरूरत है कि बचपन ही से माँ बाप की अजमत बच्चों और औलाद के दिलों के अंदर बिठा दी जाए, वरना बड़ा मामला खतरनाक हो जाता है। इसी तरीके से चाहिए कि औलाद को सफाई की तलकीन करें, बचपन ही से साफ सुथरा रहने की, कपड़े साफ रखें, जिस्म साफ रखें, लिबास साफ रखें, घर साफ रखें, अपने रहने सहने की चीज़ें साफ रखें और इस तरह की चीज़ें खाने से पहले और खाने के बाद हाथ धुलने की तलकीन करें। खाने से पहले बिस्मिल्लाह, खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह और दुआएँ घरों में और वक्ती जो छोटी छोटी दुआएँ हमाम में दाखिल होने निकलने, घर में दाखिल होने निकलने, मस्जिद में दाखिल होने निकलने, सलाम करने के आदत, इस तरीके की जो छोटी छोटी वक्ती दुआएं उनको उनके सामने पढ़ें। आप जब घर में दाखिल हो तो पढ़कर दाखिल हो, निकले तो घर में निकल पढ़कर निकले, टॉयलेट में जाएं तो पढ़कर जाएं और निकले तो पढ़कर निकले, बच्चों के सामने बुलंद आवाज से बच्चा सीखता है और फिर आपको तंबीह करता है कि अब्बू जान आपने ये दुआ नहीं पढ़ी। तो अगर बच्चों के सामने ये मरहला, ये तरबियत का ये हिस्सा आप पेश करेंगे तो बच्चा वैसे ही सीखेगा। इसी तरीके से दुनियावी तालीम का तो हम बच्चों के लिए इंतजाम करते हैं, लेकिन दुनियावी तालीम से ज़्यादा अहम उनकी दीनी तालीम का इंतज़ाम करना है कि उनको कुरान मजीद का हाफिज़ बनाएं। अगर बना सकते हैं ये बड़ी खूबी है, आलिम दीन बनाएं अगर बना सकते हैं बहुत अजमत वाली बात है। ये इल्म दीन हासिल कर लेना ये मामूली बात नहीं है। मुमकिन है आपका बच्चा आलिम दीन हाफिज़ दीन बनने के बाद दुनिया की दौलत आपको ना मिल सके, लेकिन यही हाफिज़ कुरान आपको जो है क़यामत के दिन ताज पहनाएगा, क़यामत के दिन ताज पहनाएगा, जो सबसे अजीम चीज़ है। दुनिया की दौलत आती जाती है, खैरात खत्म हो जाती है, लेकिन आखिरत की अजमत और दौलत कभी खत्म नहीं होने वाली। इसलिए अगर आप बना सकते हैं तो बनाएं। इमाम इब्न तैमिया और दीगर सलफ का कौल है, लो यालमुल मुलूक व अबनाउल मुलूक, कि अगर बादशाह और बादशाह के बच्चे जान जाए, मा नहनु फीहि मिनन नईम व सुरूर, कि हम किन नेमतों में हैं, किन खुशियों में, ये कुरान और सुन्नत को पढ़ने पढ़ाने में जो लुत्फ मिलता है, जो मज़ा मिलता है, जो खुशी मिलती है, अगर इसका इल्म बादशाहों को हो जाए, अगर इसका इल्म बादशाहों के औलादों को हो जाए तो लका तलूना, तो वह हमसे बिसुयु, तो वह हमसे तलवारें लेके जंग करेंगे, अपने तख्त व ताज को पैरों के नीचे रोक कर हमारी जगह लेने की कोशिश करेंगे। ये लुत्फ
मिलता है इस तालीम के हासिल करने में, इसके पढ़ने पढ़ाने के अंदर। तो अगर हम दुनियावी तालीम का इंतजाम कर रहे हैं तो बच्चों की दीनी तालीम कुरान मजीद का हाफिज बना सकते हैं तो ठीक, वरना कुरान मजीद के चंद पारों का हिफ्ज जरूर कराए, कुरान मजीद के चंद पारों का हाफिज उन्हें जरूर बनाए ताकि नमाजों में पढ़ने के लिए उनके पास कुरान की एक मकदार रहे, ताकि वो कुरान करीम की सही तिलावत कर सके, ताकि वो हक का तिलावती के हक को अदा कर सके। वरना कितने मुसलमान हैं हमारे सामने जिनको कुरान मजीद पढ़ना तक नहीं आता, यह अफसोस का मकाम है। और जो मरहला बचपन में सीखने का होता है उसे हम इंजीनियर बनाने में, डॉक्टर बनाने में लगा देते हैं, इस तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। आप बनाइए डॉक्टर, आप बनाइए इंजीनियर, इस्लाम मना नहीं करता है, लेकिन कुरान पढ़ना नहीं आए ऐसे डॉक्टर इंजीनियर से क्या फायदा? आपको इस्लाम की बुनियादी तालीमात नहीं मालूम, ऐसी दौलत से क्या फायदा है? आखिरत में कब्र में तो दीन काम आने वाला है, दुनिया तो किसी काम आने वाली नहीं है। इसलिए अगर आप दीनी तालीम पर तवज्जो दें तो यह बहुत ही जरूरी है। लिहाजा बच्चों को सीरत तय्यबा भी सिखाएं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, जिंदगी, इस्लामी अकीदे की बुनियादी तालीमात कि खालिक सिर्फ अल्लाह है, मालिक सिर्फ अल्लाह है, दाता सिर्फ अल्लाह है, मुश्किल कुशा सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह के अलावा इस दुनिया में किसी का कोई इख्तियार नहीं है, हत्ता कि नबी के पास भी कोई इख्तियार नहीं है। कुल ला अमलिकु लि नफ्सी नफ्अ वला दर्रा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़माने कहलवाया था, कह दीजिए कि मैं अपने लिए भी किसी नफा नुकसान का मालिक नहीं हूं। हदीस के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर सारी कायनात मिलकर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, लम यवुरूका बिशैइन इल्ला मा कद कतबहुल्लाहु अलैक, तो तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते मगर जितना अल्लाह ने लिख रखा है, और अगर सारी कायनात मिलकर तुम्हें कुछ फायदा पहुंचाना चाहे, लम यनफउका बिशैइन इल्ला मा कद कतबहुल्लाहु अलैक, तो तुम्हें सिर्फ वो फायदा मिलेगा जो अल्लाह ने लिख रखा है, सारी कायनात तुम्हें कुछ फायदा नहीं पहुंचा सकती। इसलिए मुसलमान एक मोमिन का कहना होता है लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, कि हमें वही मिला जो अल्लाह ने लिखा है, अच्छाई या मुसीबत अल्लाह ने जो लिखा तो वह हमें मिला, किसी के इख्तियार में कुछ भी नहीं है। तो बच्चों के दिलों में बचपन से ही ये बातें डालनी है, खालिक अल्लाह, मालिक अल्लाह, राज़िक अल्लाह, देने वाला अल्लाह, मुश्किल हटाने वाला अल्लाह, सब कुछ करने वाला अल्लाह है। ना कोई पीर कुछ कर सकता है, ना कोई मुरीद कुछ कर सकता है, ना कोई वली कुछ कर सकता है, ना कोई कब्र वाला कुछ कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है, और ना ही नबी हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। इसलिए नबी ने रास्ता बतलाया है, उस रास्ते पर चलना है, यही असल तरबियत है, यही असल रास्ता है। इसी तरीके से फारिग औकात में बच्चों के स्कूल से छुट्टी हुई, एक डेढ़ महीने की छुट्टी है, फारिग औकात में बच्चे क्या कर रहे हैं इस पर निगरानी रखने की जरूरत है। उनको अच्छी किताबें मुहैया कीजिए, सहाबाए किराम के दीन अफरोज वाकयात, ईमान अफरोज वाकयात मुहैया कीजिए, कि पढ़कर उनका दीन दिल भी दीन से मामूर हो जाए, ईमान से मामूर हो जाए, जज्बा इताअत व फरमाबरदारी उनके अंदर परवान चढ़े, बुरी चीजों से बचाएं, फिल्मों से, फिल्म बीनी से बचाएं, फजूल किताबें पढ़ने से बचाएं, डाइजेस्ट से पढ़ने से बचाएं, बल्कि तर्जमा कुरान, तफसीर, सीरत तय्यबा, सहाबाए किराम के वाकयात और अच्छी किताबें उनको मुहैया करें। और सबसे अहम, बुरी सोहबत से बचाएं। किन के साथ बच्चा रह रहा ये बहुत अहम है, यह हम अपने समाज में देखते हैं कि इसकी वजह से बच्चे बिगड़ते हैं। औलाद को गाने सुनने से रोकें, फिल्में देखने से मना करें, गाने सुनने से दिल मुर्दा हो जाते हैं, यह हराम है, बल्कि तिलावत कुरान लगाएं घरों के अंदर ताकि कान में पड़े, ईमान बढ़े और बच्चे की आदत बढ़े, ये सुनने की आदत डाले। और इन सब अमली कोशिशों के बाद सबसे अहम चीज है अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करें। अगर आप अपनी औलाद की बेहतरी चाहते हैं, दीनी तरबियत चाहते हैं, नेक बनाना चाहते हैं, सारी कोशिशें करने के बावजूद आप नमाजों में अपनी औलाद के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें, अपनी तहज्जुद में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करें, रातों को उठ उठकर अल्लाह रब्बुल आलमीन से गिड़गिड़ाए कि मेरी इस्लाह कर और मेरे बाल बच्चों, मेरी औलाद की इस्लाह कर, सारी कोशिशें करने के बावजूद ये लाजमी है, क्योंकि हमारे दिल अल्लाह रहमान की उंगलियों के दरमियान है। कब उंगलियां अल्लाह रब्बुल आलमीन घुमा दे और हमारी औलाद गुमराही के रास्ते पर चल पड़े। इसलिए اللهم ثبت قلبي على دينك, इस तरह की दुआएं अल्लाह रब्बुल आलमीन से करते रहना चाहिए। अंबिया करते थे, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين वजअल्ला लिल्मुत्तकीन इमामा, कि ऐ हमारे रब हमारी बीवियों, हमारे बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना, उन्हें मुत्तकी बना दे, उन्हें नेक बना दे। लिहाजा हमें चाहिए कि जैसा कि हदीस के अंदर है कि वालिद की दुआ हुआ बच्चों के हक में रद्द नहीं की जाती है, कबूल की जाती है। इसलिए चाहिए कि वालिदैन बतौर खास अपने बच्चों के हक में दुआएँ करें। ये कुछ अहम बातें थी औलाद की तरबियत के ताल्लुक से। ऐसी बहुत सी बातें जो हम आप सुनते देखते रहते हैं समाज के अंदर, तो ऐसी चीज़ें दीन को सबसे ऊपर रखें, उसके बाद
बच्चों का ईमान इतना मजबूत कर दें कि दुनिया भर की चीजें एक तरफ और ईमान एक तरफ आ जाए, तो बच्चे के दिल में जर्रा बराबर तरद्दुद, शक शुभा नहीं होना चाहिए कि मैं ईमान छोड़ के किसी और चीज को ले लूं। कभी भी ऐसा उसके दिल में ख्याल भी नहीं आना चाहिए। ऐसी दीनी मजबूत तरबियत करने की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करूं कि हम तमाम लोगों को किताब सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।